राजस्थान 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 23 अप्रैल को आयोजित 12वीं कक्षा के हिंदी साहित्य हिंदी लिटरेचर विषय का पेपर होगा। तो 23 अप्रैल को आयोजित हिंदी लिटरेचर पेपर के लिए आज हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर लेकर आए हैं। आपको टोटल 3 क्वेश्चंस मॉडल क्वेश्चंस पेपर करवाए जाएंगे। एक हमने करवा दिया और दूसरा आज और तीसरा भी आज हम करवा देंगे। तो पहला अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इसमें से बहुत सारे सवाल आपके बोर्ड के मेन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप एक बार इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको आंसर सहित इस वीडियो में आपको बता। राजस्थान की जोधपुर की संस्था उत्कर्ष के विशेषज्ञ द्वारा बनाए गए हैं और जारी किए गए, इसमें उत्तर सहित आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपका बोर्ड का पेपर आएगा। हिंदी साहित्य के पेपर के लिए आज हम जानेंगे, 12वीं का हिंदी साहित्य का पेपर है जो नियम। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो सबसे पहले आपको खंड अ में पहला प्रश्न पूछा जाएगा, खंड अ में क वाला एक पहला प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में कोष्टक में आपको लिखना है। आपको ये इतना बड़ा एक गद्यांश दिया जाएगा, इतना बड़ा एक गद्यांश दिया जाएगा, वेरी सिंपल गद्यांश दिया जाएगा, इतना टफ नहीं आएगा। इसमें आपको 6 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 6 है, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव अवसद वाले प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको इसी गद्यांश में मिलेंगे। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो सभी के आंसर इसी में मिलेंगे। जैसे पहले प्रश्न का आंसर आपके हो जाएगा कि सतसई परंपरा के बारे में, इसमें आपको इस गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा। सतसई शब्द है, इसका क्या अर्थ होगा? सतसई जो शब्द है इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ आपके हो जाएगा अभ्रंश शब्द हो जाएगा, स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इन सभी के आंसर आपको देने हैं। तो ये तो आपके कोई भी आ सकता है गद्यांश, कोई यही नहीं है कि फिक्स यही आएगा, कोई भी गद्यांश आ सकता है। तो एक बार इसे देख ले किस तरीके से करते हैं। उसके बाद एक आपको पद्यांश पूछा जाएगा, इसी के तहत एक पद्यांश कविता पद्यांश टाइप आएगा जिसके भी आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको आपको सरल भाषा में कन्वर्ट करना अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद 6 प्रश्न दिए गए आंसर इसी आपको काव्यांश या पद्यांश में मिलेंगे। तो काव्यांश या पद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना, हिंदी भाषा में कन्वर्ट करना आपकी लैंग्वेज में। इसके बाद आपको इस पद्यांश में जो भी आप प्रश्न दिए गए इन सभी के आंसर आपको इसी काव्यांश या पद्यांश में मिलेंगे। यहाँ पर पूछा है कि सूरज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूरज का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सूर्य होता है, अनुमान होता है, दिनकर होता है, चंद्रमा है, सूरज का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। द इसका राइट आंसर हो जाएगा। नभ का पर्यायवाची शब्द होगा नभ, नभ यानी क्या होता है? आकाश होता है। तो आकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाली जगह वाले क्वेश्चंस पूछे गए। खाली जगह में आपको 3 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे 2 तो अलंकार के आएंगे, 2 आपके छंद वाले आएंगे और 2 काव्य गुण काव्य दोष से पूछे जाएंगे। रेगिस्तान में पहला प्रश्न पूछा है कि जिस रचना को पढ़कर पाठक का चित्त आनंद से द्रवीभूत हो जाए उसे कौन सा गुण कहते हैं? तो वो होता है माधुर्य गुण। कौन सा होता है? माधुर्य गुण। इस खाली जगह में आ जाएगा। जिस रचना को पढ़कर पाठक के मन में चित्त आनंद द्रवीभूत हो जाता है तो वो माधुर्य गुण होता है। इस तरीके से इसमें माधुर्य गुण आ जाएगा। रचना में अधिक शब्दों या पदों का निरंतर प्रयोग करने से इसमें दोष आएगा। तो कौन सा? जिस रचना में अधिक शब्दों या पदों का निरंतर प्रयोग करने से क्या आ जाएगा? इसमें अधिक पदत्व दोष आ जाएगा। अधिक पदत्व दोष वो शब्द होते हैं जिसमें अधिक शब्दों या निरंतर पदों का प्रयोग होता है, तो वो अधिक पदत्व दोष कहलाता है। तो अधिक पदत्व दोष हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है कि रोला और उल्लाला के मेल से खालिज का छंद बनता है। कौन सा छंद बनता है ये? तो इस प्रश्न का आंसर आपके हो जाएगा छप्पय। कौन सा आ जाएगा? छप्पय छंद, छप्पय छतरी वाला आधा प और प और य, छप्पय छंद यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा हरि गीति का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 28 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 28 मात्राएं होती है। गीति का छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। फिर उपमा का सामान्य अर्थ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से करते हैं, तुलना करते हैं, तभी तो उपमा। जैसे उपमा होता है तो उसका सामान्य अर्थ है किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा तुलना करना। अनुप्रास अलंकार होता है कि अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, बार बार उस वर्ण की आवृत्ति होती है, वो अनुप्रास अलंकार होता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके एक एक नंबर वाले प्रश्न, तीसरा आता है अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला पूछा है कि अनुप्रास अलंकार
से युक्ति कोई एक मौलिक उदाहरण लिखिए। अनुप्रास अलंकार से युक्त कोई एक मौलिक उदाहरण देना है अनुप्रास अलंकार। इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा कि भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति बगाए, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति बगाए, इस तरीके से इसका एक उदाहरण हो जाएगा। यमक अलंकार की परिभाषा देनी है। यमक जहाँ एक या एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ है वो भिन्न भिन्न होते हैं, वह यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार का मतलब होता है कि जहाँ पर एक या एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति होती है किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न निकलता है अर्थ, वो यमक अलंकार होता है। फिर यहाँ पर तीसरा है कि समाचार लेखन के कितने ककार आवश्यक है। समाचार लेखन के कितने ककार है वो आवश्यक है। समाचार लेखन में है वो छह ककार होते हैं, छह ककारों को आवश्यक माना गया है। विशेष लेखन क्या है। विशेष लेखन का मतलब होता है कि अखबार के लिए समाचारों के अलावा खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन आदि विभिन्न क्षेत्रों और विषय संबंधित समाचार की भाषा शैली अलग होती है, उसे विशेष लेखन कहते हैं। पांचवा है विशेष संवाददाता किसे कहते हैं। विशेष संवाददाता है वो किसे कहते हैं, तो जिन रिपोर्टर द्वारा विशेष रिपोर्टिंग की जाती है उन्हें विशेष संवाददाता कहते हैं। जिन रिपोर्टरों द्वारा विशेषकृत रिपोर्टिंग की जाती है उसे विशेष संवाददाता कहते हैं। नेक्स्ट है कच्चा चिट्टा कहानी के अनुसार पशोवा किस धर्म का तीर्थ है। कच्चा चिट्टा कहानी के अनुसार पशोवा है वो जैन धर्म का तीर्थ है, जैन धर्म इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को किसके नाटक अति प्रिय थे। रामचंद्र शुक्ल थे उनके पिताजी को किसके नाटक है वो प्रिय लगते थे, तो वो भारतेंदु हरिचंद्र जी के नाटक है वो अति प्रिय लगते थे। देवसेना का गीत के कवि का क्या नाम है। देवसेना जो गीत है उसमें कवि का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। फिर केदारनाथ सिंह किस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। केदारनाथ को कौन सी रचना के अनुसार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो अकार में सारच रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, अकार में सारस रचना के लिए। नेक्स्ट है कहानी को नाटक में रूपांतरित करते समय उसके कथानक का किस आधार पर विभाजन किया जाता है, तो किस प्रकार विभाजन किया जाता है। तो कहानी को नाटक में रूपांतरित करते समय उसके कथानक का समय और स्थान के आधार पर उसका विभाजन होता है। कौन सा काव्य कहते हैं, नाटक होता है उसे कौन सा काव्य कहते हैं, उसे दृश्य काव्य कहते हैं। कौन सा, दृश्य। फिर कविता किस परंपरा के रूप में जन्मी है, तो वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी है कविता, वाचिक इस तरीके से आ जाएगा, वाचिक परंपरा। नेक्स्ट आपके खंड ब आता है जिसमें दो दो नंबर वाले प्रश्न आते हैं, जिसमें पत्रकार की कितने प्रकार के होते हैं संक्षिप्त में आपको बताना है। पत्रकार तीन प्रकार के होते हैं, पूर्णकालीन हो गया, अंशकालीन हो गया और फिलांसर यानी स्वतंत्र फिलांसर, तीन प्रकार के पत्रकार होते हैं। फिर संवाददाता या रिपोर्टर किसे कहते हैं, यही आपको बताना है। अखबारों में समाचार पूर्णकालीन और अंशकालीन पत्रकार लिखते हैं जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं, इस तरीके से हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद ने आशा को बावली क्यों कहा है, तो ये अपने पाठ के अनुसार आपको, कविता के अनुसार आपको बता लेना है। मैं जानाऊ निजनाथ स्वभाव में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है, तो चैप्टर के अनुसार इसको बता देना, इंपॉर्टेंट है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा जयशंकर प्रसाद में किसी एक का कवि का आपको साहित्य परिचय देना है। नेक्स्ट है कि प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास, शेर कहानी के आधार पर इस पर टिप्पणी लिखनी है। धर्म अगर कुछ विशेष वेद शास्त्रों, धर्मचारियों और मठाधीशों पंडे पुजारियों की मिट्टी में है तो आम आदमी और उसका क्या संबंध होगा, इसमें अपनी राय को संक्षिप्त में आपको बताना है। रामचंद्र शुक्ल अथवा पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी का साहित्यिक परिचय देना है। एक तो आपको गद्य से पूछा जाएगा परिचय और एक आपको पद्य से पूछा जाएगा, तो इसमें आपको याद कर लेना है। फिर जगदर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों, सूरदास की झोपड़ी के आधार पर इसका आपको बताना है, जगदर के मन में किस तरह का ईर्ष्या का भाव जगा था। नेक्स्ट है शूला ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, इस कथन के आधार पर सूरदास की मन स्थिति
का वर्णन कीजिए सूरदास की झोपड़ी के आधार पर, अध्याय के आधार पर इसका संक्षिप्त में उत्तर देना है आपको। रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ने सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बौना क्यों पड़ गया था? आरोहण आधार पाठ के आधार पर इसका भी आंसर आपको बताना है। गदबाग अपना मालवा किस प्रदेश से संबंधित है, इसमें लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया, संक्षिप्त में आपको बताना है। फिर खंड स के क्वेश्चन आते हैं कि नवागांव के परिवेश को देखकर लेखक को क्या विश्वास नहीं हो रहा था, जहां कोई वापसी नहीं, अध्याय के आधार पर विस्तार से आपको इसका आंसर बताना है 60 शब्दों में। तीन नंबर का ये प्रश्न है। अथवा में दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक के सार्थकता को स्पष्ट करना है। सत्रवा है सत्य। नेक्स्ट है कि सत्य क्या पुकारने से मिल सकता है, युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे हैं, महाभारत के प्रसंग से सत्य के अर्थ खोजे, तो इसका भी आपको आंसर बताना है। यदि अकेला है कविता में व्युष्टि एवं समष्टि के संतुलन को आवश्यक माना गया है, क्यों, स्पष्ट कीजिए इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 18वां है कि महीप अपने विषय में बात पूछ जाने पर उसे टाल क्यों देता है, आरोहण पाठ के आधार पर विस्तार से आपको इसका आंसर बताना है। 4 नंबर का प्रश्न है, इसके भी अथवा में ये प्रश्न पूछा है कि धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है, इससे यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है, टिप्पणी कीजिए अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, अध्याय के आधार पर विस्तृत आपको बताना है। 80 शब्द है, 4 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद आपके लास्ट खंड द आता है, जिसमें प्रश्न पूछा है कि काव्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये काव्यांश दिया गया है पूरा, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। पहले इसकी पहचान करनी है, ये किस चैप्टर से आया है और इसका कवि कौन है, उसके बाद कवि कौन है इसकी पहचान करनी है, इसके बाद इसको ट्रांसलेट करके इसकी पूरी व्याख्या करनी है। 5 नंबर, उसके बाद इसके अथवा में भी एक स्टंजा पूछा गया है काव्यांश का, तो इन दोनों में से किसी एक की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। दोनों ही काव्यांश काफी इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। उसके बाद 20वां जो प्रश्न है, ये आपको गद्यांश की व्याख्या करने को पूछेगा। आपको गद्यांश दिए गए, दो गद्यांश दिए गए यहाँ पर, एक तो यहाँ पर संबंधिया चैप्टर से आया, इसकी भी पहचान करके आप लिख सकते हैं, इसका लेखक कौन है, इसमें क्या क्या बताया गया है वो आपको लिखना है, प्रसंग लिखना है, संदर्भ लिखना है और व्याख्या लिखनी है, और विशेष लिखकर आप इसको समाप्त कर सकते हैं। 5 नंबर की आपके ये व्याख्या आएगी, तो इस तरीके से आप इसकी सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं, गद्यांश की भी और पद्यांश की भी। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इन चैप्टर से आ सकता है एक सप्रसंग व्याख्या गद्यांश या पद्यांश की। फिर 21वां प्रश्न है, 400 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है। 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा, जिसमें पहला दिया गया है कि सूचना एवं संचार की मां क्रांति इंटरनेट के बारे में, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और राजस्थान में गहराता जल संकट, स्त्री सशक्तिकरण और शिक्षा, और राजस्थानी संस्कृति के बारे में आपको पूछ सकता है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का पेपर है, जो उत्कर्ष के विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न हैं वो कल आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, 100% गारंटी है, बहुत सारे प्रश्न आपको इस पेपर से देखने को मिलेंगे। एक बार जाते जाते इस प्रश्न पत्र को देखकर जरूर जाए, क्योंकि प्रश्न आपके आ सकते हैं इस पेपर से, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही दिए गए इसमें, तो एक बार इस प्रश्न पत्र को जरूर देखिए। इसका PDF फाइल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से क्लिक करके सीधे टेलीग्राम पर पहुँच सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त होती रहे। और शाम को एक और मैं हिंदी साहित्य का पेपर करवाऊंगा, तो वो भी आपको देखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।